हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे, बट ये हमारा जो होगा 11C का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जिसमें हम रॉलिस थ्योरम देखेंगे। और ये थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी थ्योरम के बेस पे सारा जो आपका 11C एक्सरसाइज है ये बनेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 11A, B या फिर जो भी इसका प्रीवियस चैप्टर है, एक्सरसाइज है, उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, या फिर सारे एक्सरसाइज का जो आपका प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारे एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस सारे वीडियो को वॉच करें, आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें फीडबैक भी जरूर दें। आपको जब 11C समझना है तो इसके पहले आपको 11C और 11A को भी देखना चाहिए, ताकि जब उस वीडियो पे यानी उस एक्सरसाइज पे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, तो जब आप 11C यानी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार पहले प्रीवियस एक्सरसाइज को जरूर देखें, हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इलेवन सी में रॉल्स थ्योरम, यहाँ पे रॉल्स थ्योरम के बारे में पहले आप यहाँ पे ध्यान दें कि होता क्या है। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी सच डैट। जो रॉल्स थ्योरम होता है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एफ एक्स बी फंक्शन रियल वैल्यू, फंक्शन का क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए, और वो कब डिफाइंड होगा, जब आपका क्लोज इंटरवल ए कमा बी सच डैट। तीन चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, तीनों चीज़ आपका फॉलो करेगा तब आपका क्या होगा, रॉल्स थ्योरम होगा, अन्यथा नहीं होगा। फर्स्ट की यदि बात करें, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी, यानी जो एफ एक्स जो फंक्शन है आपका, ये जो भी आपका फंक्शन है, इसका जो भी आपका इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। यानी इस पिक्चर में यदि बात करें हम, तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर क्या है, ये पिक्चर आपके पास है, तो यहाँ पे ये और ये, अब यहाँ के बाद ये ना ही लेफ्ट राइट साइड जाएगा और ना ही लेफ्ट साइड जाएगा, यानी जो भी आपका वैल्यू होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, यदि हम इसको ए बोलें और इसको बी बोलें, तो ए से बी के बीच में ही अप्लाई होगा, ये ना ही RHS की तरफ बढ़ेगा और ना ही LHS की तरफ भी बढ़ेगा। यानी A और B कहने का सेंस यहाँ पे यही है कि A और B पे क्या है आपका, क्लोज है, इसके राइट और लेफ्ट कहीं भी आपका वैल्यू अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड आपके पास है, FX इज अ डिफ्रेंसिएबल ऑन ओपन A कमा B, यानी FX जो है आपका, जो फंक्शन आपके पास है, यहाँ पे देख सकते हैं f'c=0, यानी जो भी आपका ये पिक्चर बनेगा, जो भी आपका ग्राफ बनेगा, ये क्या होगा, ए और बी पे ओपन होगा, यानी ए और बी पे ओपन होगा। जैसे आप देखें कि ये ए अगर से ऊपर जाएं आप, तो इसका जो वैल्यू होगा ऊपर में, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यदि आप नीचे जाएं तो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आपका जो वैल्यू होगा ओपन होगा। अभी क्या पढ़े आप कि जो ए और बी था, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी, यानी ना ही इसका वैल्यू राइट की तरफ जाएगा और ना ही लेफ्ट की तरफ जाएगा। सेकेंड है कि जो इसका डिफरेंशिएबल होगा वो ओपन होगा ए कमा बी पे, यानी इसका जो वैल्यू है ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी, प्लस की तरफ भी जा सकता है या फिर माइनस की तरफ भी जा सकता है। एक चीज़ और आप याद करें कि यहाँ पे जो भी आपका जो ग्राफ बनेगा, यानी जो आपका इंटरवल बनेगा, वो आपका शार्प नहीं होना चाहिए। शार्प मतलब कोई कभी भी आपका भी शेप में नहीं होना चाहिए। अगर से भी शेप में होगा तो फिर आपका क्या होगा कि उस पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी आपका ग्राफ बनेगा, जो भी आपका कर्व बनेगा, वो क्या होगा, स्मूथ होना चाहिए, वो आपका स्मूथ होना चाहिए, यानी हम यहाँ पे चाहें तो टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, शार्प पिक्चर नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन एफ ए होगा और एफ बी होगा, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यदि आप देखें तो ये दोनों क्या होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी, दोनों बराबर होगा। पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी यहाँ पे बराबर है दोनों, एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे सी जो है आपका, यहाँ सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, और यहाँ एफ एक्स इक्वल टू बी। सेकेंड में यदि आप देखें तो आपके पास क्या है, ये आप देख सकते हैं आपका जो पिक्चर हो क्या है, स्मूथ है, टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, यहाँ पर भी एफ ए इक्वल टू एफ बी, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू सी एंड एक्स इक्वल टू बी,
ठीक है, हाईएस्ट पिक तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं पे आएगा। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल अप्लाई हो रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा सकता है, प्लस की तरफ भी जा सकता है, माइनस की तरफ भी जा सकता है। ये तो बातें आपको समझ में आ रही है, बट यहाँ पे क्या है कि इसका जो एफएक्स है ये कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए और बी। अब इसके बाद ये ना ही इस तरफ वैल्यू जा सकता है, ना ही इस तरफ जा सकता है, ये यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है, देन द एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर ऑन ओपन इंटरवल ए एंड बी सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे इसमें आप बात करें या फिर इस इंटरवल की आप बात करें या फिर इस इंटरवल की आप बात करें, इसमें कम से कम एक वैल्यू वैसा तो होगा, कम से कम, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर ऑन ए ओपन इंटरवल ए कमा बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी कब आता है, जब आप उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो एफ डैश सी होगा। तो यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल है, यहाँ पर भी आपका ओपन इंटरवल है, इसमें कम से कम आपका एक ऐसा वैल्यू होगा जो कि रियल नंबर आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक आपकी सारी बात तो समझ में आ गई है। यहाँ पे बस तीन चीज़ को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी। सेकेंड है एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कमा बी। और थर्ड आपको क्या करना है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये तीनों रूल आपको चेक करना है कि वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आपका ये रॉल्स थ्योरम जो है अप्लाई होगा। तो अब इस पार्ट को आप एक बार नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं।